खबर आ रही है हनुमानगढ़ के नोहर से, जहां प्यारी बहना मूर्ति कौर अनाथ आश्रम में दानवीर मीनू बेनीवाल तरका वाली हरियाणा द्वारा लगाए गए 10 केवी सोलर सिस्टम का आज शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में आए हुए अतिथियों का महिलाओं द्वारा तिलक लगाकर स्वागत किया गया। संस्था प्रधान सोनू चारण ने बताया कि दानवीर मीनू बेनीवाल ने कुछ समय पहले आश्रम का अवलोकन किया था। उस समय बिजली नहीं होने के कारण आश्रम में उपस्थित महिलाओं को परेशानी होती देखी, तो उसी समय आश्रम में उन्होंने सोलर सिस्टम लगवाने की घोषणा की। घोषणा के अनुसार आश्रम में सोलर सिस्टम स्थापित करवा दिया गया। बुधवार को मोनू बेनीवाल की टीम सहित अतिथियों द्वारा सामूहिक रूप से स्विच ऑन कर सोलर सिस्टम चालू किया गया, जिससे पूरा आश्रम रोशन हो गया और अब 24 घंटों बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित हो गई है। की बात तो हनुमानगढ़ की, वो काफी कुछ सौगात है वो कप्तान साहब दे रहे हैं। क्या कुछ कप्तान साहब समाज सेवी आदमी हैं और समाज के क्षेत्र में वो कहीं भी कुछ भी जो उन्हें समाज के क्षेत्र में प्रगति के क्षेत्र में वो कभी पीछे नहीं हटते। जैसे इस संस्था में वो एक बार आए थे, उन्होंने देखा कि यहाँ सोलर की सख्त ज़रूरत है। यहाँ जो महिलाएं थी उनको मतलब गर्मी की वजह से और बिजली की किल्लत की वजह से थोड़ी परेशानी आ रही थी, इसलिए उन्होंने मतलब सोलर कप्तान साहब ने ये सोलर बेंट किया। हम कप्तान साहब का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। कप्तान साहब का धन्यवाद करूँगा कि जब उन्होंने पहली बार यहाँ विजिट की, संस्था में महिलाओं से मिले, उन्होंने अपने हाथों से इन माताओं बहनों को भोजन करवाया। उसके बाद जब उन्होंने इस समस्या को बारीकी से देखा तो पूछा तो हमने ये बताया कि यहाँ जो बिजली की जो समस्या है वो सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि यहाँ लाइट 6 से 7 घंटे लाइट रहती है। उसके बाद इतनी महिलाएं हैं अपने पास, 84-85 की संख्या में महिलाएं हैं, इनको अपने बाहर नहीं निकाल सकते। तो गर्मी जो बाद जो गर्मी पड़ रही है उस गर्मी की समस्या को देखते हुए उन्होंने बोला कि हाँ एक बार आप 10 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगा के देखो, उससे जितना अपने को फ़ायदा होगा उसके बाद आगे। आज जो सोलर सिस्टम लग के तैयार हो गया और जो माताओं बहनों में देख रहे हैं कि 2 दिन से जो बस ये लग रहा है खुशी है, वास्तव में बहुत अच्छा कार्य किया है संस्थान के लिए। और आज पूरी की पूरी टीम में बड़े वैशाख नंदलाल जी बनने वाला सरपंच जमाल हनुमान जी सारण और उनके साथ पूरी टीम है, बाना जी है, उनका मैं दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ कि ये हर कदम पे संस्थान की टीम के साथ खड़े हैं। संस्थान जब भी इनको कोई भी काम के लिए बुलाती है, महिलाओं से संबंधित कोई भी समस्या होती है, जैसे आज सोलर की थी, जैसे कभी भी कोई भी समस्या होती है तो उनको बुलाते हैं तो हर संभव उस समस्या का समाधान होता है। तो मैं आज इन सभी आप सभी न्यूज़ चैनलों के माध्यम से पूरी की पूरी कप्तान टीम और कप्तान साहब का दिल की गहराई से और आश्रम की माताओं बहनों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद हनुमान जी। आज क्या कुछ जो है वो आश्रम के अंदर सौगात दी गई? आज नोहर के अंदर स्थित इस महिला अनाथ आश्रम के अंदर यहाँ के प्रबंधक सोनू चारण जी के नेतृत्व में आदरणीय कप्तान साहब, सबके चहेते समाज सेवी श्री मीनू बेनीवाल जी द्वारा यहाँ रह रही बहन बेटियों को उनकी स्थिति को देखते हुए इस भीषण गर्मी के अंदर इस प्रकार की सुविधाओं से ये सब लोग परिचित हो रहे थे, इन सब चीज़ों को देखते हुए आदरणीय कप्तान साहब ने अपनी तरफ से यहाँ 10 केवीवी का जो सोलर प्रोजेक्ट लगवाया है, इसी के संबंध में आज सोनू चारण जी के नेतृत्व में इसके उद्घाटन के कार्यक्रम में आदरणीय बाना साहब, आदरणीय नंदलाल जी सरपंच साहब, रणवीर जी साहब, बेनीवाल साहब, इन सब लोगों के साथ मिलकर के हमें ये परम सौभाग्य प्राप्त हुआ कि आदरणीय कप्तान साहब वो तो खुद किसी कामकाज के लिए बाहर थे, तो उन सब लोगों ने अपने प्रतिनिधित्व को भेजा, इन सब लोगों ने आज इसका मुहूर्त किया, इसका शुभारंभ किया। इसके लिए इन सब लोगों को नोहर वासियों की तरफ से, पूरे नोहर क्षेत्र की तरफ से आदरणीय कप्तान साहब और उनकी पूरी टीम को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद।